एपिसोड नंबर 384 384। काक भुशुंडी को श्री राम के मुख में प्रविष्ट होने के बाद उनके उदर में अनगिनत ब्रह्मांडों के दर्शन प्राप्त हुए। काक भुशुंडी ने 100 कल्प उन ब्रह्मांडों में बिताए। जब अयोध्यापुरी में श्री राम अवतार का समाचार सुना तो हर्षित हो वहां जा पहुंचे। श्री राम जन्म महोत्सव देखा किंतु फिर भी मोह नहीं मिटा। भिन्न भिन्न मैं देख सब अति विचित्र हरि जान, अगणित भुवन फिरे प्रभु राम न देखे। सुपन सोई शोभा सोई कृपाल रघुवीर, भुवन भुवन देखत फिरौं प्रेरित मोह समीर। भ्रमत मोहि ब्रह्म फिरत निज आश्रम आयो, तह पुनि रही कछु काल गवायो। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायो, निर्भर प्रेम हर्षि उठि धाय। देखो जन्म महोत्सव जाई, जेहि विधि प्रथम कहा मैं गाई। राम उदर देखेऊ जगनाना, देखत बनई न जा पाल बिकल मोहि, बिहसे तब रघुबीर। बिहसत ही मुख बाहर आयउ सुनु मति धीर।
प्रभु मोहि बिलोकी, निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ, दीन दयाल सकल दुख भरेऊ। राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपासन दोहा। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन मह होई हरषति भारी। भगत बछलता प्रभु कै देखी, उपजी मम उर प्रीति विसेखी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, कीन्हु बहु विधि विनय बहोरी। सप्रेम मम बानी, देखी दीन निज दास। बचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। काकभसुंडी मागुबर अति प्रसन्न मोहि जानी, अनिमादिक सिद्धि अपर विधि, मोक्ष सकल सुख खानी। सब संशय नाही, मागु जो तो ही भाव मन माही। सुनी प्रभु बचन अधिक अनुरागे, मन अनुमान करन तब लागे। प्रभु कहते सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। भगति हीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजन हीन सुख कवने का जा, विचारी बोले खग राजा। जो प्रभु होई प्रसन्न बर देहु, मो पर करहु कृपारु नेहु। मन भावत बर देहु,